वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ सुपर ट्रिक फॉर मोल कन्वर्जेंस। मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, यानी कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आज हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे। सपोज कर लेते हैं आप लोगों को जो न्यूमेरिकल दिया गया है या आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें आप लोगों को एटम्स की तादाद दी गई है या फिर आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की तादाद दी गई है। और आपसे पूछा जाता है बताएं अगर इतने एटम्स हों तो कितने मोल्स बनेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितनी तादाद दी है ना उसको आप लोगों ने सिर्फ डिवाइड कर देना 6.02×10^23 पे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे। या इसका अपोजिट क्या है कि अगर आपको मोल दिए और आपसे पूछा जाता है बताएं, जैसे कि 2 मोल ऑफ वाटर दिया गया, आपसे पूछा जाता है कि 2 मोल हैं वाटर के, बताएं इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं। तो जितने मोल्स दिए गए ना उसको आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना 6.02×10^23 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप लोगों को मैस दिया गया, कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों को किसी कंपाउंड का मैस दिया गया ग्राम्स में और आपसे पूछा जाता है बताएं कितने मोल्स होंगे। जैसे कि सपोज कर लेते हैं आप लोगों को दिया गया जी 10 ग्राम वाटर दिया गया और आपसे पूछा जाता है बताएं 10 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे वाटर के। तो आप लोगों ने क्या करना, जितने मोल ग्राम दिया गया ना 10 को, उसको आप लोगों ने उसके मोलर मैस पर डिवाइड कर देना। जैसे कि वाटर का मोलर मैस क्या होता है 18, इस पर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। या फिर आपको मोल दिए गए और आपसे पूछा जाता है बताएं उस चीज़ का या उस कंपाउंड का मैस कितना होगा, तो आप लोगों ने क्या करना, मोल जितने दिए गए उसको मल्टीप्लाई कर देना उसी चीज़ के मोलर मैस से, तो आपके पास मैस आ जाएगा। यानी कि ये अगर आप लोगों ने मैस टू मोल कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने डिवाइड करना है, अगर मोल टू वापस मैस की तरफ आना है तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरे नंबर वाला पॉइंट आता है कि अगर आप लोगों को वॉल्यूम दिया गया और आपसे पूछा जाता है कि इतना वॉल्यूम है किसी कंपाउंड का और बताएं इसमें कितने मोल होंगे, तो आप लोगों ने जितना भी वॉल्यूम जो लीटर में दिया गया उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना 22.4 लीटर पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। या आपको मोल्स दिए गए और आपसे पूछा जाता है बताएं उस चीज़ का, उस लिक्विड का या उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तो मोल्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस चीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा। जस्ट आप लोगों ने ये 3 स्टेप जेन में रखने तो इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।